अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया ताकि गार्डनिंग से जो भी रिलेटेड वीडियो रहेगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए आज हम बात करेंगे नामडॉक मई मैंगो है ना उसके वैरायटी के बारे में, क्योंकि इससे पहले जो भी मैं वीडियो बनाया था उसमें नामडॉक में एक मैंगो के बारे में जो बोला हुआ था उसमें बहुत लोगों ने भड़क भी गए थे। अब बहुत लोगों का कहना था कि भाई नामडॉक मई मैंगो का क्यों नाम ख़राब कर रहा है, वो साल में एक ही बार फलन होता है फिर भी तुम बोल रहे साल में दो बार फलता है। तो मैं आपको पहले ही बतला देता हूँ, पूरा वीडियो आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको जो पूरा वीडियो बनाया था उसमें सही तरह से आप समझे नहीं थे। तो देखिए नामडॉक मई का जो भी वैरायटी होता है ना वो टोटल चार वैरायटी होता है, एक दो वैरायटी नामडॉक का नहीं है, टोटल का टोटल चार वैरायटी है। चार वैरायटी में से सबसे बेस्ट जो वैरायटी होता है वो दो ही वैरायटी है नामडॉक मई मैंगो का, एक है जो नामडॉक मई मैंगो का ओरिजिनल वैरायटी है और दूसरा है जो नामडॉक मई मैंगो का नंबर फोर वैरायटी है। जो नामडॉक मई नंबर का जो फोर वैरायटी है ना वो साल में दो बार फलन होता है, ये मैं गारंटी के साथ फिर से बोलता हूँ। नामडॉक मई नंबर का जो फोर वैरायटी है, नंबर फोर वैरायटी ओरिजिनल में नहीं बोला हूँ, जो नामडॉक मई का नंबर फोर जो वैरायटी है वो आपको साल में दो बार फलन देता है, और जो नामडॉक मई ओरिजिनल वैरायटी वो साल में एक ही बार उसमें फलन होता है। और चार वैरायटी में से दो वैरायटी जो होता है वो काफ़ी बेस्ट और अच्छा है, दोनों का दोनों सिमिलर है, बाकी दो और वैरायटी है उस दोनों बारे के वो दोनों इतना कुछ खास नहीं है, उसका टेस्ट भी डिफरेंट है, पर ये दोनों वैरायटी का जो टेस्ट है वो भी सेम मिलता भी है और इसका जो फ्रूटिंग भी है वो भी दोनों सेम मिलता जुलता है। जो नामडॉक मई नंबर फोर है वो गमले के लिए गार्डन के लिए सबसे बेस्ट और सबसे सूटेबल वैरायटी है। आप चाहिए तो नामडॉक मई नंबर फोर है वो आप गमले में भी लगा सकते हैं और गार्डन में भी लगा सकते जो मैं पर जो नामडॉक मई ओरिजिनल जो वैरायटी है वो गमले के लिए सूटेबल नहीं है। आप चाहिए तो लगा सकते हैं गमले में अगर एक दो फ्रूटिंग चाहिए तो, पर ये जो नामडॉक मई नंबर ओरिजिनल नामडॉक मई का जो ओरिजिनल वैरायटी है वो गमले के लिए छत के लिए सूटेबल नहीं है, वो ज़मीन के लिए काफ़ी अच्छा वैरायटी है। आप अच्छा नामडॉक मई जो नंबर फोर है वो गमले और गार्डन के लिए सूटेबल होता है, जो इसका ओरिजिनल वैरायटी है वो साल में एक ही बार फलन देता है और काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी बेस्ट वैरायटी है और काफ़ी ज़्यादा महंगा दामों में यहाँ बिकता है। दूसरा नंबर पे होता है जो नामडॉक मई नंबर फोर है वो भी सेम टू सेम मिलता जुलता है, आपका नामडॉक मई ओरिजिनल की जैसा टेस्ट भी आता है और वैसा ही फ्रूटिंग होता है, और ये किसको हाइब्रिड किस्म का मैंगो बोल सकते हैं क्योंकि जो ओरिजिनल वैरायटी उसी का सीड से ये तैयार किया गया है जो नामडॉक मई नंबर फोर है, इसीलिए दोनों का जो फ्रूटिंग भी मिलता है और सेम भी टेस्ट है, सिर्फ डिफरेंट ये है कि जो ओरिजिनल है वो साल में एक ही बार फलन होता है और ये है जो साल में दो बार फल देता है। अब हम बात करते हैं कि से जो ओरिजिनल वैरायटी है वो आपको हर साल ज़्यादा फल नहीं देता है, एक साल फल ज़्यादा देता है और एक साल सिमिलर देता है, उतना ज़्यादा नहीं देता है, और जो नामडॉक मई नंबर फोर है वो आपको हर साल अच्छा फलन देता है, गमले में भी अच्छा फलन भी होता है और गमले में भी ग्रोथ अच्छा होता है, और गार्डन और गमले के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा वैरायटी यही माना जाता है। ओरिजिनल वैरायटी देखा जाए तो इंडिया में आपको मिल जाएगा, बट जो नंबर फोर वैरायटी वो आपको इंडिया में ये प्लांट बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, ये वैरायटी इतना महंगा है कि थाईलैंड में भी काफ़ी मशहूर हो चुका है नामडॉक मई नंबर फोर, और विदेशों में चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो अमेरिका हो बाकी जगह भी नामडॉक मई नंबर फोर काफ़ी लोग अच्छी तरह से गार्डन में लगाना पसंद कर रहे हैं, गमले में भी लगाना बहुत लोग इसको पसंद करता है, और ये जो वैरायटी वो काफ़ी महंगा आता है, थाईलैंड में खुद इतना महंगा है तो इंडिया में आपको किधर से मिलेगा आपको 200-400 में। हाँ ओरिजिनल जो वैरायटी है वो आपको इंडिया में हर नर्सरी में मिल सकता है, ईजी आपको मिल जाएगा, पर जो नंबर फोर है आपको इंडिया में तो मिलना नामुमकिन भी है, मिल जाएगा तो एक दो नर्सरी में आपको चाहिए तो कोई मंगा के दे सकता है, मगर हो सकता है आपको बांग्लादेश में वैरायटी मिल जाएगा, मगर इंडिया में आपका नंबर फोर वैरायटी आपको मिलना मुश्किल है। तो बहुत लोग जो बोल रहे थे भाई हमने नामडॉक मई नंबर नामडॉक मई का वैरायटी लगाया हो तो साल में एक ही बार फलन होता है, तो आपने ओरिजिनल लगाए आपने नंबर फोर नहीं लगाए, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए किधर भी सर्च करके देखिए नामडॉक मई का जो नंबर फोर वैरायटी वो साल में दो बार उसका फलन भी होता है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, और गमले के लिए और गार्डन के लिए नंबर फोर ही सूटेबल है, ओरिजिनल बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ओरिजिनल आपको लगाना चाहते तो आप ज़मीन में अपने गार्डन में लगाइए या खेती के पर्पज़ से इसको लगा सकते हैं या ज़मीन में इस लगाने के लिए काफ़ी अच्छा है, मगर आपको चाहिए तो गमले में भी इसमें लगा के ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं मगर हाँ अच्छा खासा फ्रूटिंग हो जाता है, पर जो नंबर फोर है वो काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग होता है, गुच्छा में इसका फ्रूटिंग भी पकड़ता है, हर साल इसमें अच्छा फ्रूटिंग आता है। तो आप जब भी अगर आप नामडॉक मई का जो वेरायटी आपको लगाना गमले में और गार्डन में आपको लगाने के लिए सोच रहे तो आप नामडॉक मई का नंबर फोर ही वेरायटी लगाइए, आप ट्राई कीजिए नंबर फोर वैरायटी मिलने के लिए अच्छा नर्सरी से पे जाकर ट्राई करेंगे, हो सकता है आपको मंगा के दे या उनके पास अवेलेबल हो तो मिल जाएगा, वही वैरायटी सबसे बेस्ट होता है और अच्छा होता है जो आपको गमले और गार्डन में काफ़ी अच्छा सूटेबल भी है और टेस्ट दोनों का सेम है, टेस्ट में थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का सेम है, फलन भी सेम होता है, मतलब
फल का जो साइज है और कलर है दोनों का सेम ही मिलता जुलता भी है। तो नाम डॉक्यूमेंट का जो नंबर 4 है वही आप लगाइए, कोशिश कीजिए जो वही मिले। काफ़ी अच्छा वैरायटी है, काफ़ी अच्छा वैरायटी होता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी होता है। आप चाहिए तो ओरिजिनल भी मल, आपको अगर इच्छा है तो ओरिजिनल भी ले सकते हैं और दोनों भी लेके आप लगा सकते हैं, मगर जो दो वैरायटी ऐसा है वो काफ़ी बेस्ट होता है और काफ़ी अच्छा वैरायटी होता है। तो ऐसा ही अगर वीडियो मेरा पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक बाय बाय।